Hello students, today we will learn the formulas of integration. Yes students, आज की video lecture में हम देखेंगे integration के basic से जो formulas हैं उनको. Okay, बहुत ज़्यादा formulas मैं एक video में नहीं बताऊँगी. Easy से छोटे-छोटे से formulas होंगे जो कि बहुत थोड़े से होंगे. उसको हम देखते हैं कैसे क्या-क्या formulas होते हैं फटाफट से और समझते हैं. ठीक है, और मैं ये भी बताऊंगी कि इन फॉर्मूलाज को लर्न कैसे करना है. तो देखते रहिए वीडियोस को और कंटिन्यू करिए इंटीग्रेशन. और इंटीग्रेशन जो हुआ बना इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन वो आपका सब खत्म होने वाला है, क्योंकि मैं लाई हूँ बहुत इजी वे में. बहुत इजी, बहुत सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन होगी इसकी, जो कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी. राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए. कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि वीडियो कैसा लग रहा है. राइट, लेट्स गेट स्टार्टेड. इंटीग्रेशन फॉर्मूलाज नंबर वन. फॉर्मूला नंबर वन होगा हमारा, फॉर्मूला नंबर वन इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर एन डीएक्स. इसका फॉर्मूला क्या होगा हमारा, एक्स टू द पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन. ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ आप लोगों को. राइट, इससे लास्ट वीडियोस में मैंने ये पूरा का पूरा फॉर्मूला, पावर रूल जिसको कहते हैं एक तरह से, ये मैंने उसको पूरा का पूरा आपको एक्सप्लेन किया था. और इसमें एक कंडीशन होती है जहाँ पे n इज नॉट इक्वल टू वन होता है. राइट, इस तरीके से. नाउ फॉर्मूला नंबर टू, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स. कॉस एक्स का, कॉस एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स. इसका इंटीग्रेशन क्या होगा हमारा, साइन एक्स प्लस सी. राइट, नाउ थर्ड फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स विद रेस्पेक्ट टू डी एक्स. साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा हमारा, माइनस कॉस एक्स प्लस सी. ये देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ मैं फॉर्मूला बता रही हूँ, इसको ध्यान से सुनिए ताकि ये साथ के साथ आपको लर्न हो जाए. और ये लर्न करने का जो आपका सिंपलेस्ट वे है कैसे लर्न करना है, वो मैं अभी आपको थोड़े से 10 to 12 फॉर्मूलाज के बाद बताने वाली हूँ. ठीक है, तो वेट करिए. फॉर्मूला नंबर फोर, फॉर्मूला नंबर फोर हमारा होगा इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स. सेक स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला इंटीग्रेशन क्या होगा, टेन एक्स प्लस सी. राइट, नाउ फिफ्थ वन होगा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स. ये क्या होगा आपका, माइनस कॉट एक्स प्लस सी. नाउ सिक्स, फॉर्मूला नंबर सिक्स, फॉर्मूला नंबर सिक्स होगा इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू टेन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स. इसका इंटीग्रेशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स क्या होगा आपका, सेक एक्स प्लस सी. सेवेंथ, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स कॉट एक्स डी एक्स. ये हो जाएगा आपका माइनस कोसेक एक्स प्लस सी. राइट, मैं फटाफट से सारे फॉर्मूलाज बता रही हूँ, इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसको समझ लीजिए, सो डैट कि आपकी इंटीग्रेशन में हेल्प हो. नाउ एथ, इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन दिस अंडररूट वन माइनस एक्स स्क्वायर. मतलब बेसिकली ये क्या होता है, वन अपॉन अंडररूट वन माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा. ये होगा आपका साइन माइनस वन एक्स प्लस सी. इसका वैसे बहुत ज्यादा यूज नहीं होता है, बट ये आपको पता होना चाहिए सो डेट कि कभी ये आ जाए तो आप लोग फटाफट से इसको सॉल्व कर सके इस तरीके के क्वेश्चन को. नाइन्थ वन भी सिमिलर है. देखिए यहाँ पे डिफरेंस क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में. दोनों को दोनों सेम है, लेकिन दोनों का देखिए यहाँ पे क्या होगा आपका, ये देखिए इस ये दोनों एक ही चीज है, लेकिन अगर आप साइन के फॉर्म में लिखेंगे तो साइन टू द पावर माइनस वन एक्स होगा,
लेकिन अगर आप इसी को कॉस की फॉर्म में लिखते हैं तो माइनस होगा, माइनस कॉस टू दी पावर माइनस वन एक्स प्लस सी, बिल्कुल सेम है। देखिए दोनों सेम है, दोनों का जो है दो फॉर्मूलेज है, एक तो साइन की फॉर्म में ये है, कॉस की फॉर्म में अगर होता है तो माइनस में लगता है, राइट। नाउ अब हम करते हैं टेंथ वन हमारा होगा इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होगा, टेन टू द पावर माइनस वन एक्स प्लस सी। ये सारे रेयर यूज होते हैं यहाँ पे जो मैंने ये बताए हैं, बट ये आते हैं, आपको पता होना चाहिए। अब जो मैंने बोला था इनका यूज करने का, जो लर्न करने का वे है, वो लर्न करने का वे है जितनी ज्यादा आप इंटीग्रेशन इसके एग्जांपल्स इनकी प्रैक्टिस कर ले, जितने ज्यादा क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी आपको लर्न हो जाएंगे ये फॉर्मूला। अगर आप ऐसे बैठ के याद करने लगे तो कभी लर्न नहीं होंगे। आप लोग प्रैक्टिस करिए और प्रैक्टिस में जब जब जरूरत पड़े इसको देखते जाओ, आप देखते ही देखते आपको ये विद इन जल्दी से जल्दी जितनी जल्दी करेंगे आपको लर्न हो जाएगा, राइट। ये तो हमारे 10 फॉर्मूलाज। अब बाकी के फॉर्मूलाज मैं सोच रही हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाने के लिए। आज के लिए बाय, और तब तक इतने ही फॉर्मूलाज की आप लोग प्रैक्टिस करिए, इनके क्वेश्चंस देखिए, ठीक है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में विद न्यू फॉर्मूलाज, इसके और भी जितने फॉर्मूलाज है उसकी लिस्ट में नेक्स्ट पार्ट में लेके आऊंगी, और हम इंटीग्रेशन को स्टेप बाय स्टेप बहुत अच्छे से कर लेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड प्रैक्टिस करते रहिए। अगर कोई भी टॉपिक पूछना है तो प्लीज मेरे पर रिक्वेस्ट डालिए, सो डेट कि मैं उसको उसकी वीडियोस बनाऊं। ये आपका बीकॉम बीसीए एमसीए ट्वेल्थ क्लास सभी स्टूडेंट्स के लिए है, सभी में आता है ये, राइट। बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।